होटल बस स्टैंड पर सावन महीने के तीसरे सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का आयोजन रोडवेज विभाग के सभी कर्मचारियों के सहयोग से किया गया। भंडारे में आसपास गांव के हजारों महिला पुरुषों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। होटल बस स्टैंड परिसर में सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बस स्टैंड के प्रधान राज सिंह ने बताया कि सन 1987 में बस स्टैंड पर सावन महीने में भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना थी और इसके बाद से ही बस स्टैंड पर हर वर्ष सावन के महीने के तीसरे सोमवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि मंदिर के प्रांगण में भंडारे से एक दिन पहले रामायण पाठ का भी आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि यह भंडारा रोडवेज के सभी कर्मचारी अपने वेतन की नेक कमाई से कराते हैं। इस भंडारे में होटल व आसपास के गांव के हजारों लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को इस प्रकार के होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर विजेंद्र प्रधान, रामवीर तेजपाल, जवाहर गोपाल, विजयपाल, गंगारामा सहित अन्य कर्मचारी व हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। उपलक्ष्य के सावन के महीने में हर सालाना 1987 में जब डिपो बना था हमारे यहाँ पर होटल सब डिपो, तो होटल सब डिपो के होने कारण हमारे जो यहाँ मंदिर बनाया गया था उस मंदिर की स्थापना ही सावन के महीने में की गई थी। जहाँ भोले बाबा का मंदिर है हमारे बस स्टैंड में, उसकी यादगार में उसी दिन से आज तक जो होटल साइड के हमारे कर्मचारी हैं, जो होटल बंचारी, मानपुर, नागल, बही, सोन, बेड़ापट्टी, जो हमारा स्टाफ यहाँ का होता है, सभी अपने तनख्वाह में से हर सालाना एक बहुत ही सराहनीय अपने पैसे निकाल के रख के, और वो इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार में हम भंडारा का रूप। तो लगभग इसमें कितने श्रद्धालुओं का प्रसाद बनवाया जाता है? करीबन 6-7 हज़ार कर्म मतलब लोग खाना मुझे ले आते हैं श्रद्धालु, और जिससे कि हमें भी उत्पन्न बढ़ता है कि सारे कर्मचारी मिलके एक दान का रूप करते हैं और इस मंदिर की शोभा होटल सब डिपो को इस चाहना करते हैं कि ऐसा भंडारा हमारा चलता रहे, होटल सब डिपो दोबारा से बहाल हो।